जय श्री राम कैसे हैं आप सभी लोग एक देवी जी का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहे है पहले आप लोग उस वीडियो को सुन लीजिए बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है ये है वो है भाई नौ महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है नौ महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है उसी खून से सबको सींचा गया है इसलिए वो नौ महीने नहीं हुई बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट चालीस दिन में निकल जाता है तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रचवाला अवस्था में थी जब भगवान आए भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रचवला अवस्था में है आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले ये मत करो वो मत करो तो ये बातें बनाई गई सुन लिया आपने देखिए अब ये देवी जी कह रही हैं कि रजो धर्म में स्त्री अशुद्ध नहीं होती भगवान कृष्ण ने भी द्रौपदी को आकर स्पर्श किया था सबसे पहली बात तो आप द्रौपदी नहीं हो सकती हो द्रौपदी एक पंचकन्या थी दूसरी बात भगवान ने उसको स्पर्श नहीं किया था भगवान ने दूर से ही द्रौपदी के साड़ी को बढ़ाया था स्पर्श नहीं किया था इस बात को समझ लीजिएगा दूसरी बात आपके कहने का तात्पर्य है कि पेट में पलने वाले बच्चे को जिस रक्त से सींचा जाता है और जो रक्त बाहर निकल जाता है दोनों में अंतर नहीं है भाई कैसे अंतर नहीं है मुर्गी के अंडे को अगर आप पा जाओ तो उसको स्पर्श करोगे कि नहीं स्पर्श करोगे क्यों क्योंकि उसमें एक बच्चा एक प्राण एक जीव पल रहा है लेकिन यदि वही अंडा फूट जाए या वही अंडा एक दुकान पर हो जहां पर बन रहा हो वहां पर जाकर आप खाओगी उस अंडे को या उस अंडे को हाथ में लोगी बने हुए अंडे को दोनों में अंतर होता है उसी प्रकार बच्चा जिस रक्त से पलता है वह रक्त आपके शरीर का होता है और जो रक्त आपके शरीर से बाहर निकलता है वह रक्त फूटे हुए अंडों का एक स्राव होता है रजोधर्म वही है नहीं अगर ज्ञान है तो के जीव विज्ञान में यह बात है और वहां जाकर के आप पढ़ सकती है दूसरी बात हमारे जो शास्त्र कहते हैं आपने कहा कि हमारे शास्त्रों में ऐसी मनाही नहीं है मैं नीति की स्मृति की बात करता हूं पारस्कर स्मृति में कहा गया है कि प्रथमे हनि चाण्डाली द्वितीय ब्रह्मवादिनी प्रथम हनि चाण्डाली द्वितीय ब्रह्मघाति तृतीय रज की प्रोक्ता चतुर्थे हनि शुद्धती पहले दिन स्त्री चांडाली होती है दूसरे दिन स्त्री ब्रह्म घाति होती है उसके जो स्वरूप का जो तेज होता है वो चांडाली की भांति हो जाता है और दूसरे दिन ब्रह्म घाति की भांति उसके स्वरूप का तेज हो जाता है और तृतीय दिन तृतीय रज की प्रोक्ता तीसरे दिन वह स्त्री रजस्वला कहलाती है थोड़ा सा उसके चेहरे पर निखार आता है तब चतुर्थे हनि शुद्धति चौथे दिन वो बाल धूल करके शुद्ध होती है चतुर्थ चौथे दिन वो शुद्ध हो जाती है ऐसे ही आतुरे स्नान उत्पन्ने स्नात्वा स्नावाशे देना तथा शुद्धिये आतुरा जैसे बार बार रोगी को स्पर्श करने से रोग आ जाता है उसी प्रकार बार बार रजस्वला स्त्री को देखने व स्पर्श करने से वही दोष आपको भी लग जाता है आपके शरीर में जब आपका अंडा सड़ जाता है गर्भाशय में और वो फूट जाता है और वो उसका एक रक्त निकलता है उसी ही रज धर्म कहते हैं उसे है। है आपको आप स्त्री हो अब तो ये वही वाली बात हो गई कि आपकी बात पर कितना भरोसा किया जाए आप तो अपने आप को गायिका मानती हो ना गायिकाओं के लिए हमारे यहाँ बड़ा सम्मान एक श्लोक है छिद्र दंता क्वचित मूर्खा कुचित खलवाट निर्धना क्वचित काणोत भवेत साधु क्वचित गानवती सती जैसे दांतों में छेद हो वो कभी मूर्ख नहीं हो सकता माथा चौड़ा हो वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता और एक आंख का काना हो वो कभी साधु नहीं हो सकता उसी प्रकार अगर गाने वाली स्त्री है तो वो सती नहीं हो सकती समझ रही हो ना हम किससे आपकी तुलना कर रहे हैं आप वही हो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है पारस्कर गृह सूत्र कहता है हमारे यहां स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह श्रणो दुरात्मना किम तेन कृतम पापम स्त्री गुरु तलपग वह पुरुष ऐसा कौन सा पाप है जो पाप नहीं करता जो पुरुष स्त्री के मुख से धर्म व शास्त्रों का मीमांसाओं का श्रवण करता है अब उसे जन्म देने वाली मां जन्म देने वाला बाप या वो स्त्री वो कितनी बड़ी पापी है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है और धनार्जेति धनारेती धनार वतम वही वाली स्थिति है कि, कि किसी भी प्रकार से धन आ जाए चाहे नाच करके आ जाए गा करके आ जाए शास्त्रों को बेच करके आ जाए कितनी भी प्रकार से दुराचार दुष्प्रवृत्ति दुर्वृत्ति फैला करके आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे शास्त्रों से तो कोई लेना देना नहीं है आपको शास्त्र कितना पढ़ा है आपने वो गाने गा करके और चार लोगों के साथ मंच पर मटक करके आप बड़ी देवी जी नहीं हो जाओगे हमारे यहां नाचने वालियों को वेश्या कहा जाता है और वेश्या से अधिक हम और कुछ नहीं मानते नाचने वालियों को गाने वालियों को मुजरा करने वालियों को हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं यदि आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो पहले शास्त्र पढ़ लीजिए जिस प्रकार से आपके शरीर में वही विष्ठा रहती है और आपका शरीर अशुद्ध नहीं होता और वही विष्ठा जब आपके गुदा मार्ग से बाहर निकलता है तो उसे हाथ से धुलने के बाद साबुन से क्यों धुलते हो उसमें बैक्टीरिया कैसे आ जाते हैं भाई आप क्यों क्योंकि जब किसी गंदगी वाले वस्तु में हवा लगता है वातावरण मिलता है प्रकृति बाह्य प्रकृति का स्पर्श होता है तभी वह वस्तु अशुद्ध होती है ठीक उसी प्रकार रजोधर्म में निकला हुआ रक्त जब प्रकृति से आबद्ध होता है बाह्य प्रकृति से तब वह रजोधर्म का रक्त वो रक्त बदबूदार हो जाता है और वह अशुद्ध हो जाता है ऐसी स्थिति में ऐसी स्त्री को ना तो कोई शुभ स्थान पर जाना चाहिए और ना ही किसी को अपना मुख दिखाना चाहिए